हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 46 किलो अवैध दोड़ा पोस्ट बरामद कर आरोपी गिरफ्तार। युवा घर से ही नशेड़ियों को बेचता था अवैध दोड़ा पोस्ट दो अलग अलग। आज 13 फरवरी रविवार 2022 बाड़मेर सदर पुलिस ने गालाबारी गांव में घर में दबिश देते हुए 46 किलो अवैध दोड़ा पोस्ट बरामद किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक घर से ही गांव में अवैध दोड़ा पोस्ट बेचता था। पुलिस युवक से दोड़ा पोस्ट कहां से लेकर आया इसको लेकर पूछताछ कर रही है। सदर थाना अधिकारी अनिल कुमार के मुताबिक शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गालाबेरी गांव में एक युवक घर में भारी मात्रा में अवैध दोड़ा पोस्ट रख कर गांवों में बेचता था। इस पर पुलिस की टीम को लेकर गालाबेरी गांव में मूलाराम पुत्र मगनाराम के घर में दबिश दी गई। घर की तलाशी में दो अलग अलग बोरों में 46 किलो अवैध दोड़ा पोस्ट बरामद किए। पुलिस ने मूलाराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है कि यह अवैध दोड़ा पोस्ट कहां से लेकर आया है। घर से करता था अवैध व्यापार। पुलिस के अनुसार आरोपी घर से दोड़ा पोस्ट का व्यापार करता था। दोड़ा पोस्ट के नशेड़ी लोग इसके घर पर आते थे, एक दो किलो लेकर जाते थे। आरोपी नशेड़ियों से रुपए लेता था। पुलिस यह भी पूछताछ कर रही है कि यह व्यापार कब से कर रहा था। आज सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव गालाबेरी में मूलाराम सन ऑफ मगनाराम जाट है, जो अवैध डोडा पोस्ट का व्यापार करता है, घर पे उसके तलाशी ली जाए तो डोडा पोस्ट मिल सकता है। इस सूचना पर मैं जाते गए वहां पहुंचा। वहां जाने पर उसके घर में 23-23 किलो के दो बैग काले रंग के, उन बैग में भरा हुआ डोडा मिला, जो करीब टोटल 46 केजी रहा, जिसमें 8/15 NDPS एक्ट के तहत मूलाराम सन ऑफ मगनाराम जाट को गिरफ्तार कर थाना लेके आए और अवैध डोडा जब्त किया गया। अभी उसने कुछ भी नहीं बताया, इसके संबंध में अनुसंधान जारी है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।